यदि आप अष्ट लक्ष्मी नव निधि कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाग्यशाली अवसर हो सकता है आपके लिए। जोधपुर के पंडित शिमाली जी द्वारा निर्मित अष्ट लक्ष्मी नव निधि कुबेर कलश प्राप्त करके आप अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कलश में आपको दीपावली पर स्थापित करने के लिए लक्ष्मी चरण पादुका, दक्षिणावर्त शंख जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और दीपावली पूजन के लिए पारद लक्ष्मी कुबेर गणेश प्रतिमा, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर की महिलाओं के पूजन के लिए नाग केशर और पंच धातु की डिब्बी, रक्त गुंजा, गोमती चक्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्री यंत्र पेंडल और ब्रेसलेट भी मिलेंगे। ये कलश आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 02912621625। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत अभिनंदन हमारे इस चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की, अर्थात 10 सितंबर 2019 से लगा करके 3 अक्टूबर 2019 तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे, अर्थात अपनी नीच राशि में रहेंगे। अब नीच और उच्च क्या होता है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ज्योतिष विज्ञान में शुक्र ग्रह को प्रेम, जीवन साथी, कामुक विचार और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। यह एक शुभ ग्रह है, हालांकि शास्त्रों में इसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में जाना जाता है। शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रधान जातक सांसारिक सुख और ऐश्वर्य का भोग करने में सभी अन्य जातकों से आगे रहते हैं। साथ ही यह भी देखा गया है कि जिस जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है वो जातक सिनेमा, रंगमंच, पेंटिंग्स, चित्रकारी और डांस, कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो इंटीरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई ना कोई कलात्मक क्षेत्र हो, उन सब चित्रों में, उन सब क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख के अध्ययन का विषय भी शुक्र की स्थिति पर ही निर्भर करता है, अर्थात आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है। वो अगर शुभ है तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, और वो अगर शुक्र अशुभ है तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। यह शुक्र पर निर्भर करता है, उस पर आधारित है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति में संस्कारहीनता, अपयस, परिवार में अलगाव और दुख मिलते हैं। राशियों में शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, और वहीं मीन राशि में इसकी उच्च राशि मानी जाती है और कन्या इसकी नीच राशि कहलाती है। नक्षत्रों में यह भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा नक्षत्रों का स्वामी है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह शुक्र के मित्र ग्रह हैं और सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह कहलाते हैं। शुक्र एक ही राशि में लगभग 23 दिन तक रहता है। पौराणिक धारणाओं के अनुसार शुक्र देव को असुरों का गुरु माना गया है, इसलिए इनका एक प्रचलित नाम शुक्राचार्य भी है। शास्त्रों के वर्णन के अनुसार शुक्र श्वेत वर्ण के हैं, घोड़ा, ऊंट और मगरमच्छ इनकी सवारी है। शुक्र देव का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी है, इसलिए हम सभी लोग धन वैभव की कामना के लिए, संपत्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन व्रत करते हैं। अतः शुक्रवार का व्रत करते हैं, शुक्र की पूजा उपासना करते हैं, लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं, और कुछ लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। तो भागवत पुराण के अनुसार शुक्रदेव महर्षि भृगु के पुत्र हैं और इनका बचपन में नाम भार्गव था, इस भार्गव नाम से भी पुकारते थे। इनके प्रभाव से जातकों में कला और सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि में स्थित होने पर शुक्र को नीच राशि का कहा जाता है, जिसका साधारण शब्दों में अर्थ है शुक्र सबसे बलहीन होना, कमजोर होना। कुछ लोग यह मानते हैं कि कुंडली में नीच का शुक्र हमेशा अशुभ फल देता है, जो सही नहीं है। कुंडली में शुक्र का नीच राशि में होना केवल उसके बल को दर्शाता है, उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, उसके शुभ या अशुभ स्वभाव को नहीं। आपकी राशि से नीच का शुक्र शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान कर सकता है, जिसका निर्णय आपकी राशि से किस भाव में शुक्र का प्रवेश हुआ है उससे होगा।
आज इस एपिसोड में हम 10 सितंबर से 3 अक्टूबर 2019 तक हर राशि में नीच राशि के शुक्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले संभावित शुभ या अशुभ परिणाम के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मेष राशि से मीन राशि के बीच में किस ग्रह को क्या मिलेगा और क्या रहेगा उसकी राशि का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। शुक्र आपकी राशि से सिक्स हाउस में है। सिक्स हाउस को रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद इन सब के लिए जाना जाता है। इन सब के निर्णय के लिए सिक्स हाउस देखना पड़ता है। तो शुक्र के इस भाव में आने से आपके जीवन में शत्रुओं की वृद्धि होगी और उसके बाद में शत्रुओं की वृद्धि के बाद में या तो आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे या उनसे संधि करने पर मजबूर होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। अर्थात आपको कॉम्प्रोमाइज लेवल पर आना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज लेवल में आना कोई बुराई नहीं है। अगर किसी लड़ाई झगड़े को बहुत बढ़ा देंगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपकी शांति छिनेगी, उससे ज़्यादा अच्छा है। और बहुत बार मेरी अपनी ये विचारधारा है कि जहाँ तक हो लड़ाई झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, आप सही हैं, आप खुश रहिए। आई एम सो सॉरी, सॉरी बोल देने से बहुत सी चीज़ें अपने आप में ठीक होती है। तो ये एक प्रकार से आपने विचारधारा अपनानी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं ईगो में आकर के नुकसान ज़्यादा उठा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर सकता हूँ। और व्यापारी लोगों को प्रॉब्लम को बड़ा नहीं करना चाहिए, उनका काम कभी भी किसी से बढ़ सकता है। इसलिए राजनीतिक व्यक्ति की तरह हमेशा सोचना चाहिए अपने जीवन में भी। साझेदारों से व्यापार संबंधी झगड़ा होगा, हो सकता है। यात्राओं से, दुर्घटनाओं से हानि भी हो सकती है। जीवन साथी आपसे विमुख हो सकता है। आपको जीवन के हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ही जितना आप चाहते हैं उतना गेन, उतनी सक्सेस मिल सकती है, बशर्ते आप उसके लिए रेडी रहें। एफर्ट करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। कार्य क्षेत्र में अर्थात ऑफिस एनवायरमेंट में आपको महिलाओं से, फीमेल से बहसबाजी करने से, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करने से बचना है। आपकी छवि धूमिल हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम की घड़ी आ सकती है। एक छोटी सी कंप्लेंट आपका जीवन, आपका कैरियर खराब कर सकती है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि जहाँ तक हो उस बात को वहीं ख़त्म कर दीजिए, या कोई बात नहीं, आप सही है, आप जो बोलते हैं वो कर लेता हूं। उसके बाद में जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, जो भी दूसरे हैं, उनसे आप डिस्कस कर लीजिए, लेकिन वहाँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत मारिए। मेरा ये आपके लिए सुझाव है। अब आपको मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं चाहे आप भाई समझें, चाहे आपसे बड़ा भाई समझें, जो भी आप मुझे समझें, आपका मार्गदर्शन समझें, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये समय आपके लिए स्त्रियों से प्रॉब्लम होने का है, इसलिए अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, आप फायदे में रहेंगे। वाहन चलाते समय भी इस दौरान सतर्क रहें। और यों भी अर्थात इस माह सितंबर माह में गवर्नमेंट ने एक नया कानून बना दिया है जिसके लिए आपको जो भी आपके चालान होंगे वो कई गुना हो सकते हैं। इसलिए ये आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी दे सकती है, इसलिए वो भी आपने ध्यान रखना है। तो आपने बहुत ज़्यादा जो भी कानून का पालन भी करना है, बहुत केयरफुली आपने व्हीकल चलाना है, क्योंकि आपके सही चलाने से आपकी जान तो सलामत रहेगी, सेफ रहेगी, जो दूसरे सड़क पर चल रहे हैं वो भी कम से कम सही सेफ ढंग से अपने घर पर पहुंचेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी भी है। इस राशि के छात्रों को अर्थात स्टूडेंट को 17 सितंबर तक अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि सूर्य वहां तक 17 सितंबर तक सिंह राशि का है। उसके बाद में सूर्य भी चेंज होकर के कन्या राशि में आ जाएंगे, तब वहाँ पर आपको कड़ी मेहनत से ही आपको सक्सेस मिलेगी, अर्थात अच्छा फल मिलेगा। आपके मन में शांति का वास रहेगा, आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। अगर आप घर से बाहर रह करके पढ़ाई या नौकरी करते हैं तो इस समय आपको अपने घर की याद, घर के सदस्यों की याद सता सकती है, और ये स्वाभाविक भी है। इस समय आपको आलसपन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने लेजीनेस को अपने पास में फटकने भी नहीं देना है। खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, चाहे तो अपने कमरे में डांस कीजिए, यह भी एक्सरसाइज का एक प्रकार से फैक्टर या प्रकार ही है। अकेलापन दूर करने के लिए आप नए नए मित्र बनाएं, ये ज़्यादा सही रहेगा। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, आप दूसरे से शेयर कर पाएंगे अपनी बातें, और जो आपने सीखा है वो भी आप स्प्रेड कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट के बारे में लोगों से बात करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और वो चीज़ें जो कुछ भी प्रिंसिपल्स हैं वो आपको याद होंगे। आइए बात करते हैं अब सेकेंड वृष राशि की। शुक्र आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में गोचर वश आने से संतान से प्यार बढ़ेगा,
आपके घर में पुत्र आदि के जन्म का अवसर प्राप्त हो सकता है। फिफ्थ हाउस होता ही संतान के लिए है, बुकिश नॉलेज के लिए है, एजुकेशन के लिए है, एप्लीकेशन के लिए और डे टू डे की इनकम के लिए फिफ्थ हाउस देखा जाता है। तो शुक्र का फिफ्थ हाउस में आना आपको धन की प्राप्ति करवाएगा और साथ ही साथ एक बेस्ट एनवायरमेंट के साथ में खाना पीना होगा, अर्थात बहुत अच्छी जगह, चाहे वो अच्छा होटल हो सकता है, अच्छा क्लब हो सकता है, अच्छी जगह हो सकती है, वहाँ पे आप खाएंगे पिएंगे, अर्थात आपकी मौज मस्ती ऐशो आराम आपका इस समय चलेगा। अच्छी जगहों पर जाने का सौभाग्य मिलेगा और शत्रुओं पर जो एनिमीज हैं उन पर विजय प्राप्त होगी। इस अवधि में आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर की कला लोगों के सामने आ सकती है। नई नई चीज़ें सीखने के दौरान आपका मन लगेगा, आपके यश की वृद्धि होगी और इस समय काल में आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ज़्यादा बेटर है। जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं अर्थात सर्विस में है, उन लोगों को अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी सक्सेस मिलेगी, चाहे वो कोई भी ऑफिस में हो, कोई भी ग्रेड पे हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई उनको इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, चाहे वो और कोई भी फील्ड में हो, जो उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस दौरान कमाई के नए साधन भी मिल सकते हैं, अर्थात आपकी इनकम बढ़ने के लिए रिसोर्सेज ऑफ इनकम आपके और ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, गेन आपका बढ़ सकता है। विवाहित और प्रेमी जातकों के लिए जो रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए समय अनुकूल है। अपने जीवन साथी के साथ में, अपने साथी के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। जो भी अटैचमेंट में उनके संबंध पक्के रूप में स्थापित हो जाएंगे। साजिशदार लोगों के पार्टनर को शुक्र के इस गोचर का ज़्यादा फायदा मिलेगा। आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा, क्लब, होटल, इन सब जगहों पर जाने के अधिक अवसर मिलेंगे। हालांकि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का इस अवधि में आपको ध्यान रखना होगा। घर के किसी बड़े सदस्य से इस दौरान आप जीवन में आ रही किसी विशेष परेशानी का हल जानने के लिए डिस्कस करेंगे और वहाँ से आपको हल प्राप्त होगा, वहाँ से आपको राहत भी मिलेगी और साथ साथ में जो उनका एक्सपीरियंस है उनका भी फायदा आपको मिलेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, जो घर में बड़े हैं, आप लोग उनके पास में जा कर के बैठिए, अपनी प्रॉब्लम का डिस्कस कीजिए। चाहे उनका सुझाव आपको पसंद आए ना आए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा कि आपने उनसे सलाह ली, आपने उनका जो अनुभव है उनको मान दिया, उनको सम्मान दिया। और उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ यही कुछ पल चाहिए जिसमें आप उनके पास में जा कर के बैठें, तो एक अच्छी चीज़ है। ये अच्छी एक धारणा भी है, अच्छा एक ठीक अपन बोल सकते घरेलू परंपरा भी है जिसको आपने निभाना चाहिए। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। शुक्र आपकी राशि से फोर्थ हाउस में गोचरवश आएगा। फोर्थ हाउस होता है भूमि, भवन, वाहन का। फोर्थ हाउस होता है सुख का। फोर्थ हाउस होता है अपनी माताजी से सुख का, उनके साथ में रिलेशन का, उनके साथ में शुभ और दुख का। तो शुक्र के राशि से फोर्थ आने से जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी और धन की प्राप्ति होगी, अर्थात फाइनेंशियल गेन होगा। वैभव विलास की सामग्री, वैभव विलास का मतलब होता है फैसिलिटीज़। जो भी आपके घर में फैसिलिटीज़ है वो सामग्री, चाहे वो एसी हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो कोई सोफ़ा हो, चाहे वो और कर्टेंस हो, जो कुछ भी आप सोचते हैं कि ये मैं इसको अपने घर में बसा करके, अपने घर में ला करके, खरीद करके खुश हो सकता हूँ, वो सामग्री आपको मिलेगी। साथ ही साथ दो पहिया या चार पहिया वाहन की प्राप्ति भी इस समय संभव है। सगे संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी। जनता से संपर्क तथा स्नेह प्रेम बढ़ेगा। और यदि आप पॉलिटिक्स में है, यदि आप कोई न कोई ऐसे क्षेत्र में जहां जनता से आपका काम पड़ता है, या जनता के स्नेह से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से आपका कैरियर बनता है, आपकी उन्नति होती है, तो यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी मिथुन राशि के जातक हैं और पॉलिटिक्स में हैं, उन लोगों की यह टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। शरीर तथा मन में व्यक्ति विशेष बल और ताकत की अनुभूति करता है, अर्थात उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बलवान होती है, उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आती है, अर्थात उसको ताकत का एहसास बहुत ज़बरदस्त होता है। आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अगर घर के कोई भी सदस्य अनबन भी चल रही है, तो भी वो अनबन इस सिचुएशन में, इस गोचर के चलते ठीक हो जाएगी, संबंध सामान्य हो जाएंगे और वापस घर में खुशहाली आ जाएगी। तो आपने इस प्रेडिक्शन को देख करके, सुन करके सोचना है। यदि कोई ऐसी स्थिति है घर में कि ईगो को लेकर के बैठे हुए हैं, बीच में कोई न कोई प्रॉब्लम के कारण
खिंचाव आ गया है तो थोड़ा सा एक दो कदम आप आगे बढ़ा दीजिए, और ये समय ऐसा है कि आपके एफर्ट करने से एप्रिसिएशन आपका ही बढ़ेगा, मान सम्मान आपका ही बढ़ेगा, क्योंकि आपका टाइम पीरियड अच्छा है। नौकरी पेशे से जुड़े लोग अपनी रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल अपने कार्यक्षेत्र में अर्थात अपने कैरियर में कर पाएंगे, और इसके अच्छे परिणाम, इसके अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। आपके कैरियर में इस दौरान उछाल देखने को मिल सकता है, अर्थात एक जंप देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच में एक संतुलन बना के रखें, एक एडजस्टमेंट बना के रखें, जिससे कि दोनों के बीच में कोई इनको खिंचाव नहीं हो। एक सिर्फ और सिर्फ कैरियर के पीछे भागने चले गए और फैमिली लाइफ आपकी छूट के पीछे छूट गई या वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होगी, और फैमिली में ज़्यादा ध्यान दिया तो कहीं कैरियर ना ठीक आपका फिसल जाए, आपके हाथ से निकल जाए। ये आपने संतुलन बना करके चलना है। आपकी माता जी का स्वास्थ्य इस दौरान ठीक रहेगा। जो उनका स्वास्थ्य पहले गड़बड़ था, अब जाकर के उनको शांति भी मिलेगी, राहत भी मिलेगी, और उससे आपको भी शांति मिलेगी। आपके जीवन साथी के साथ में अच्छा वक्त बिताने का मौका इस अवधि में आपको मिल सकता है। आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा क्लब आदि में अधिक आना जाना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, अनुकूल है, फेवरेबल है। आपको अपने विषय के जो भी गूढ़ रहस्य हैं, जो भी उसकी डीप नॉलेज है, उसको जानने का मौका मिलेगा, और आपको इस दौरान उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। कोई चीज़ जब अपन सीखते हैं, हम सीखते हैं, और वो जब हमको सीखने में आ जाती है, हम उसको समझ पाते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बलवान हो जाता है और हम और ज़्यादा डीप नॉलेज लेकर के आनंदित होते हैं। यही कुछ आपके साथ में होगा। इस राशि के लिए चंदन, चमेली या फिर गुलाब की जो खुशबू है, उसका इत्र यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो यह टाइम पीरियड आपको और ज़्यादा गेन दे सकता है, और जिन लोगों को कोई भी सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी वो लोग इस छोटे से उपाय से राहत प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। शुक्र आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचरवश आने वाले हैं। थर्ड हाउस होता है गुडविल का, थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, थर्ड हाउस होता है बाहुबल का अर्थात अपनी स्ट्रेंथ का। शुक्र के थर्ड हाउस में आने से आपके मित्रों की वृद्धि होगी और शत्रुओं की पराजय होगी। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब भी आपका सर्कल बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेंगे, आपके जान पहचान के लोग बढ़ेंगे, उतने ही एनिमीज अपने आप पीछे खसक जाएंगे या वो अपने आप में डाइल्यूट हो जाएंगे। उनको कंट्रोल होना ही पड़ेगा। जितना बड़ा आदमी होगा, जितना बड़ा उसकी जान पहचान होगी, उसके शत्रु उतने ही कमज़ोर होंगे। धन की प्राप्ति होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, अर्थात कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना भी एक प्रकार से एक दूसरे का पूरक है। जब आपकी जान पहचान ज़्यादा बढ़ेगी, फ्रेंड सर्कल आपका ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में एक्सट्रीम पर जाएगा, अर्थात बहुत बलवान होगा। जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनका सुख मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ भाग्य का उदय होता है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका भाग्य का फल कब मिलेगा, भाग्योदय कब होगा। तो भाग्योदय एक प्रकार से एक अलग फैक्टर है। हर राशि के लिए भाग्योदय का एक अलग समय निश्चित है, और हमने भाग्योदय पर भी एपिसोड बनाए हुए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप भाग्योदय पर एपिसोड देख सकते हैं। आपके लग्न के अनुसार आपको भाग्योदय आप कब होगा, कौन सी दशा में होगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, यह कुछ भी आप जान सकते हैं। और आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप कभी भी जब आपके पास में टाइम हो आप उसका आनंद ले सकते हैं। राज्य की ओर से अर्थात गवर्नमेंट की ओर से आपको सपोर्ट मिलेगा। एक हिंदी में वर्ड होते हैं कृपा प्राप्ति, अर्थात आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ये बोल सकते हैं। भाई बहनों का सुख बढ़ेगा। अध्यात्म और धर्म संस्कार में रुचि बढ़ेगी। स्पिरिचुअल साइंस में जो अपनी परंपराएं हैं, जो अपने संस्कार हैं, उनमें रुचि बढ़ेगी, और ये बहुत अच्छी बात है, और आप बधाई के पात्र हैं। यदि आपके साथ में ऐसा होता है, अध्यात्म में धर्म संस्कार रुचि बढ़ती है, तो आपकी लाइफ तो अच्छी होगी होगी। आपको देख करके आपकी संतान भी सीखेगी कि आपको क्या करना है। शुक्रदेव का यह गोचर आपकी राशि से थर्ड हाउस में होने से आपको छोटी छोटी यात्राएँ भी बहुत बार करनी पड़ेगी, और यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत माइंड वाले हो सकते हैं, जिनके पास में आइडियाज़ भरपूर होंगे, और आपको कुछ नए नए अनुभव हो सकते हैं। आप प्रेम और रोमांस में पढ़ सकते हैं, अर्थात जो लोग अटैचमेंट में नहीं है, जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तब भी वो कोई न कोई ऐसे ही प्रपंच में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए और जो लोग पहले से ही अटैचमेंट में हैं,
इस दौरान अपने पार्टनर से शादी के बंधन में भी बन सकते हैं, वो जो अटैचमेंट है वो आपकी रिश्तेदारी में बदल सकता है। सामाजिक जीवन इस समय बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने दोस्तों के साथ में अच्छा समय स्पेंड करेंगे और इस समय कहीं घूमने जाने का प्लान भी आप बना सकते हैं। अपने भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे और आप हर स्थिति में उनकी सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा, आप अपने जीवन साथी को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने में सफल हो जाएंगे, जो वो चाहती थी, जो उनकी डिमांड थी वो आप पूरी कर पाएंगे। इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करते नजर आएंगे और उसमें भी आप सक्सेस हो जाएंगे। आपके लिए शुक्र का गोचर अच्छा है, पॉजिटिव है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। शुक्र आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश आएगा। सेकंड हाउस होता है धन और संपत्ति का, सेकंड हाउस होता है मेंटल स्ट्रेंथ का, सेकंड हाउस होता है आंखों का, सेकंड हाउस होता है वाणी का, सेकंड हाउस होता है ससुराल का। इस भाव में शुक्र के आने से बार बार धन की प्राप्ति होगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और साथ साथ में मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। संतान प्राप्ति का भी यह सही समय है। यदि आपने कोई भी संतान प्लान करनी है, आप प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सही समय है। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, अवार्ड रिवार्ड मिलने की संभावना है। कोई लोग जो गाने बजाने के शौकीन हैं, जिनको बहुत अच्छा गाना गाना आता है, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो लोगों की भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगी और वो लोग अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं, अगर कोई कंपटीशन में एंट्रेंस करते हैं, कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ भी उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकती है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है, चाहे वो पार्टी हो या चाहे कोई न कोई ऐसा आइडियल जैसा हो। शत्रुओं का नाश होगा, आपकी वाणी में मिठास आएगी और आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्सेस होंगे। शरीर के सौंदर्य में भी, अर्थात जो फिजिक्स बोलते हैं, जो पर्सनैलिटी बोलते हैं, एक प्रकार इन्हेंसमेंट आ जाएगा, एक प्रकार की ऑरा जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेगी, अतः इंस्पायर करेगी। नए नए कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी, या अगर कोई मेल है तो वो तो अपने लिए जेम्स एंड ज्वेलरी क्या खरीद सकता है, अपने लिए स्टोन्स खरीद सकता है या घड़ी खरीद सकता है, टाई पिन खरीद सकते हैं, ऐसा ही कुछ इस समय खरीदने का मौका आपको मिलेगा और आप कोई न कोई ज्वेलरी या ब्रेसलेट खरीद करके पहनने का भी सौभाग्य आपको इस समय काल में मिलेगा। इस अवधि में आप पारिवारिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं, जहां बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे, बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा, आपकी वहां वाहवाही होगी और आपको अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, अर्थात जो आपके परिवार वाले हैं वो आपको अपने कंधों पर बिठा लेंगे, इसका अर्थ यही है। आर्थिक पक्ष भी अच्छा रहेगा, अगर आप दूसरे राज्यों में, अगर दूसरे स्टेट्स में आपकी प्रॉपर्टी है, इस दौरान आपको अच्छा फायदा हो सकता है। यदि आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, यदि आप उस प्रॉपर्टी को स्क्वायर अप करके कहीं और ट्राई करना चाहते हैं, कोई और प्रॉपर्टी में स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके अच्छा है, आप गेन में आएंगे और जो आप खरीदना चाहते हैं वो भी, जो आप मन माफिक है वो खरीद पाएंगे। जो लोग पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी का शिकार थे, जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिन्हें मंदी बहुत परेशान कर रही थी, इस दौरान आपको पैसा इकट्ठा कर पाने में सक्सेस मिलेगी। धन की बार बार प्राप्ति होने से आपको सक्सेस भी मिलेगी और साथ साथ में सेविंग्स भी आपकी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में पॉजिटिव और सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेंगे। स्टडी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, स्टडी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, स्पेशली जो मैनेजमेंट स्टडीज़ कर रहे हैं उन लोगों को, और साथ ही साथ जो फाइनेंस में स्टडीज़ कर रहे हैं उन लोगों को, उस सेक्टर वाले बच्चों को, उन सेक्टर वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो भी लोग विवाह के बंधन में बन चुके हैं, इस राशि के जातकों को इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वो मानसिक रूप से खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, अर्थात आपने उनको मॉरली के साथ साथ में सपोर्ट करना है, आपने उनको इमोशनली स्ट्रेंथ देनी है, साथ साथ में उनकी जो भी भावना है उनको भी महसूस करना है, और ऐसा करने से आप उनको सपोर्ट ही नहीं देंगे, साथ साथ में उनके सच्चे जीवन साथी भी बन करके आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। शुक्र आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में आएंगे। फर्स्ट हाउस होता है आपकी नेचर का, फर्स्ट हाउस होता है आपके रंग रूप का, फर्स्ट हाउस होता है आपको जो मिलने वाला है उस भाव का। तो
तो इस राशि में फर्स्ट हाउस में गोचर आने से, अर्थात कन्या राशि ही आपकी है, कन्या राशि में शुक्र आने वाले हैं, तो इस स्थिति से सुख और धन की प्राप्ति होगी तथा ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं का नाश होगा। परंतु इसी समय काल में जातक स्वयं भी कुछ दुराचार कर सकता है या करने का प्रयास कर सकता है, अर्थात आप अपनी ओर से कुछ भी नेगेटिव, अर्थात अपनी करेक्टर लाइन से हटकर कुछ भी काम करने का, नेगेटिव साइड में जाने का, गलत काम करने का नहीं सोचें। ऐसा करने से एक छोटा सा जो एंटरटेनमेंट का टाइम पीरियड है वो आपको कहीं बहुत भारी पड़ सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, वो ये समय जो एंटरटेनमेंट है वो आपके लिए काली छाया बन सकता है। मेरा कहना बहुत छोटे से शब्दों में, लेकिन आपको इसको समझना बहुत वाइड एंगल में है। इस समय काल में शुक्रदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र आपको लाभ पहुंचाएंगे, गेन देंगे, सपोर्ट करेंगे और आपको आगे के लेवल पर पहुंचाएंगे। जो जातक प्रेम में पड़े हैं, अटैचमेंट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनको इस समय अच्छा गेन मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दिल में छुपे हुए प्यार को आप शब्दों का सहारा दे करके व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा प्यार करते थे, जो सिर्फ ये सोचते थे कि मैं अपने दिल की बात कभी बताऊंगा, ये सही समय है, आप अपने जो भावना है उनको बोल करके बताइए तो आपको कम से कम मायूसी नहीं होगी और ये समय आपको सपोर्ट करेगा। सकारात्मक जवाब मिलने के पूरे आसार हैं, अर्थात पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं, पॉजिटिव आपको रेस्पॉन्स बोल सकते हैं, वहां से हाँ मिलने के ज्यादा आसार हैं। विवाह और संतान जन्म का अवसर आने वाला है, यदि आप अविवाहित हैं तो यह समय आपके विवाह संबंध को निश्चित कर सकता है, और यदि आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। सब प्रकार के सुख सुविधा, आमोद प्रमोद, वैभव विलास आपको प्राप्त होंगे। विवाहित लोग अपने प्रियतम के साथ में इस समय अच्छा वक्त निकाल पाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे और आपके बीच रोमांस की अधिकता देखने को मिलेगी। प्यार और जो एक प्रकार के एडजस्टमेंट बोल दीजिए, इंटीमेसी बोल दीजिए, वो आपके बीच में ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप एक दूसरे के भावों को आसानी से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। आपके जीवनसाथी की जो भी कार्यक्षेत्र है, अर्थात आपके जीवनसाथी का जो भी फील्ड है, अगर आपकी वाइफ काम करती है या आपके हस्बैंड काम करते हैं कोई ना कोई सेक्टर में, तो उनका प्रमोशन इस समय काल में होने वाला है। कैरियर में, आपके फील्ड में, आपके जो भी ऑफिसर्स हैं आपसे बड़े हैं, वो आपके काम से खुश होकर के आपकी सहायता करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और जो बिजनेसमैन हैं उनको अपने व्यापार में, उनको अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हासिल होगी, गेन हासिल होगा। और जो व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं वो इस बारे में प्लानिंग करें तो आपको वो हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। जो लोग जलीय पदार्थों अर्थात पानी का, मिनरल वाटर का, कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक का, सेंट का, परफ्यूम्स का, इससे रिलेटेड जो भी काम करते हैं, फैंसी गुड्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फैंसी गुड्स के साथ में मैं ये बोल सकता हूँ पूरी रेंज, फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, उससे रिलेटेड जो भी काम करते हैं उन लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा गेन मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं उनको इस समय काल में सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगा। जो भी आपके सीनियर्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे आपके कोई भी डाउट हो, चाहे आपकी कोई भी उलझन हो, कोई भी समस्याएं हो। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपने मित्रों के साथ में मिलकर आप किसी विषय का गूढ़ अध्ययन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है, बहुत अच्छा गेन अर्थात एप्रिसिएशन मिल सकता है, उनका नाम हो सकता है। सत्यता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, अर्थात सच बोलने की तरफ या सत्यता की तरफ आप स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, और ये सही है, व्यक्ति को सच पर हमेशा कायम रहना चाहिए। आइए बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव में गोचरवश आने वाले हैं। 12th हाउस का मतलब होता है अपमान, अपयस, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, जो हमारी लाइफ में नेगेटिव है वो सब 12th हाउस से देखा जाता है। लेकिन शुक्र 12th हाउस में आकर के हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। शुक्र का मतलब है सुख सुविधाएं और 12वें घर का मतलब है भोगना। तो शुक्र के राशि से 12th हाउस पर आने से मित्रों, धन और भोग विलास से
और साथ ही साथ सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होगी, अर्थात जो परफ्यूम्स हैं, सेंट हैं, या जो कुछ भी सुगंधित वस्तुएं हैं उनकी आपको गेन होगा, गिफ्ट में मिल सकते हैं। जातक का धन बढ़ता है अर्थात इनकम बढ़ती है, फिर भी साथ ही साथ उसको कुछ न कुछ कपड़ों का नुकसान होता है, अर्थात या तो यात्रा में उसके कपड़े गुम हो, और या फिर जैसे सूटकेस गुम हो जाता है, कहीं शादी में गए, कोई न कोई पार्टी में गए, कुछ न कुछ नुकसान जो हो सकता है वो कपड़ों का होता है। ट्वेल्थ हाउस में शुक्र के गोचर से आपके एक्सपेंसेस में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, अर्थात एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इस समय आपको अपना बजट प्लान करने की ज़रूरत है, वरना आपको यह जब मंथ पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको एहसास होगा कि आपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कर दिए हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते थे। इस राशि के कुछ जातक इस अवधि में विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो एब्रॉड जाने का प्लान करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम देने के लिए या कोई पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, या कोई अपने बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, जो ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आप प्लान करेंगे और सक्सेस हो जाएंगे। जो भी विलासितापूर्ण जीवन जीने की आपकी चाह है, इच्छा है, वह पूरी हो सकती है। शुक्र का प्रभाव आपके अंदर वासनापूर्ण विचार भी ला सकता है, ऐसे समय में खुद पर संयम रखना है, कंट्रोल रखना है। सेहत को अच्छा रखने के लिए केवल प्लान बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस प्लान को लागू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो प्लान आपने बनाया है, सुबह उठने का, एक्सरसाइज पे जाने का, जिम जाने का, योगा करने का, उस पर अमल भी आप कीजिए। इस राशि के कुछ जातकों को कोई अपोजिट सेक्स आकर्षित भी कर सकता है, अर्थात विपरीत लिंग के प्रति वो आकर्षित भी हो सकते हैं, प्यार प्रसंग में पड़ भी सकते हैं, इसलिए आपने ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। शुक्र आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर वश आने वाले हैं। 11th हाउस को गेन बोला जाता है, सक्सेस बोला जाता है, एप्रिसिएशन बोला जाता है, जो भी आप एफर्ट करेंगे उसका गेन है वो 11th हाउस है। तो यहाँ पर शुक्र के आने से धन की वृद्धि होगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा आमदनी के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, चाहे आप शेयर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप कमोडिटी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपको गेन देगा और एक प्रकार से धन की बारिश होगी। जातक का गौरव प्रताप बढ़ता है। गौरव प्रताप का मतलब है आपकी रेपुटेशन, आपका नाम, आपका सम्मान, ये सब चीज़ आपकी बढ़ेगी। सभी कार्यों में सरलता से सक्सेस मिलेगी, अर्थात ईजी सक्सेस का योग है, इसलिए आप ज़्यादा काम करिए। जो कुछ भी आपके काम पहले से पेंडिंग है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो भी सक्सेस के रेट में आ जाएंगे, वो भी सक्सेस हो जाएंगे, अर्थात पूरे हो जाएंगे। इस समय में जो खाने पीने की दावतें आपकी बहुत शानदार होने वाली है, बहुत अच्छी जगह पर आपको खाना पीना मिलने वाला है, बहुत अच्छी पार्टियाँ आपको मिलने वाली है, तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत होने वाला है। दाम्पत्य संबंधी सुखों में वृद्धि होगी, अर्थात जो आपके विपरीत लिंग जातकों में गहरी मित्रता चलने के कारण जातक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, मित्रों का बहुत सहयोग प्राप्त होगा, और साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर से आपकी अतिरिक्त आमदनी में भी इजाफा हो सकता है, अर्थात जो एक्स्ट्रा इनकम है वो भी सोर्स डेवलप हो सकते हैं और वहाँ से भी आपको गेन होगा। आपकी कोई महिला मित्र या अपोजिट सेक्स वाली मित्र इस दौरान आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। अपोजिट सेक्स का मतलब यहाँ गलत मत लीजिएगा, यदि कोई मान लीजिए इस राशि का पुरुष है तो कोई महिला से, और कोई महिला है तो पुरुष से, उनको मददगार साबित होगी, अर्थात वहाँ से उनको हेल्प मिलेगी। भाग्य के साथ से अर्थात भाग्य के सपोर्ट से आपके कई बिगड़ते काम भी इस दौरान बन जाएंगे। इस अवधि में आपकी कोई दिली मुराद, जो बहुत इच्छा है, काफ़ी समय से जो इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो इस दौरान पूरा हो सकती है, अर्थात ऐसी कोई लिस्ट आपके पास में है कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या करना है, वो चेकलिस्ट को चेक करने का समय आ चुका है। वैवाहिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के यदि अनबन भी होगी तो भी वो आप दोनों के बीच में दूरी नहीं बन पाएगी, छोटी सी नोकझोंक बनकर ही रह जाएगी। ऑफिस में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो आइडियाज़ है, प्लानिंग है, वो सक्सेस मिलने से आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी वहाँ वर्चस्व बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको अवार्ड रिवार्ड वाली सिचुएशन में बरस आ जाएगा। दोस्तों के साथ में समय बिता करके आप बहुत सी परेशानियों को भूल जाएंगे, अर्थात काफ़ी समय के बाद में हो सकता है बहुत पुराने दोस्तों से, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो।
जो बिजनेसमैन है यह उनके लिए बहुत उत्तम समय है। आपको अपनी कुछ जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है, जो आपने पेंडिंग कर दी थी या बीच में आपने बंद कर दी थी उनको वापस स्टार्ट करने का समय है। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर कोई उलझन है तो घर के किसी करीबी से आप इस दौरान बात कर सकते हैं, आपकी उलझन ये दूर हो सकती है। अच्छा होगा आप अपने घर में जो पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लें, जो उनका ज्ञान है जो उनका एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपकी सहायता करेगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। शुक्र आपकी राशि से 10th हाउस में आएगा और 10th हाउस होता है कर्म का, 10th हाउस होता है आप अपने जीवन में जो भी कमाई के लिए जो भी काम करते हैं, अपने कैरियर के लिए जो काम करते हैं वो कैरियर हाउस 10th हाउस है और 10th हाउस पिता का सुख भी देखा जाता है। तो आपकी राशि से 10th शुक्र आने से हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटली स्ट्रेस बढ़ सकता है और फाइनेंशियली गेन की जगह फाइनेंशियली लॉस हो सकता है या पैसा फंस सकता है। ऐसे समय में आप लोगों को जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्पेकुलेशन में इंटरेस्टेड है उनको जरूर अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अपने आप को ऐसी चीज़ों से, नहीं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको पैसों की हानि हो सकती है। नौकरी और जो बिजनेस है उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे और शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, एनिमीज़ की वृद्धि हो सकती है, जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन परेशान होना अलग चीज़ है और दूसरों द्वारा परेशान करना एक अलग चीज़ है। आप परेशान होंगे तो परेशान करने में सक्सेस हो पाएंगे, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इसी ढंग से आपकी सहायता करती है कि जो कुछ होने वाला है वो आप पहले से पता चल जाए तो आप अपने आप को प्लानिंग में ला सकते हैं, आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं और उस जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे फाइट कर सकते हैं। जो भी काम है उसमें अनसक्सेस भी मिल सकती है या रोड़ा आ सकता है, जो भी जनसाधारण है जो कुछ भी समाज है वो भी आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, स्त्री वर्ग से दुख की प्राप्ति हो सकती है, अतः जो भी आपकी मैरिड लाइफ है उसमें भी जीवन साथी के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से भी आपको जो सुख मिलना चाहिए उसकी जगह दुख मिल सकता है, कहासुनी हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी बातें वो बोल सकती हैं जो आपके दिल को लगे। जो आपके पेरेंट्स हैं या जो सगे संबंधी है उनके साथ में भी वैचारिक मतभेद रहेगा, गवर्नमेंट से भी कोई परेशानी आ सकती है, कोई कोई नोटिस आपको मिल सकता है या टैक्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी आपकी वापस चालू हो सकती है और या कोई डिमांड आ सकती है। शुक्र के इस गोचर से आपको सतर्कता के साथ में हर काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ में अपने टाइम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, टाइम को पास करना पड़ेगा। जो आपका ऑफिस है उसमें किसी के साथ में अनबन की स्थिति बन सकती है, अर्थात कोई लड़ाई झगड़ा कोई वाद विवाद ये सब चीज़ हो सकती है, उन विवादों से खुद को दूर रखने के लिए कम से कम बोलना आपके लिए अच्छा है। जहाँ तक हो वहाँ से चले जाइए, उठ करके चले जाइए और या फिर आज जवाब नहीं दूंगा कल जवाब दूंगा, ये वाली पॉलिसी ये वाला लॉजिक हमेशा सही काम करता है। एक बार बोलने के बाद में जब आपने कुछ भी अपशब्द बोल दिए उसको आप वापस नहीं ले सकते, उसको वापस रिकॉल नहीं कर सकते शब्दों को, इसलिए बोलने से अच्छा है कि वहाँ पर चुप रह जाए और या वहाँ पर स्थान छोड़ दिया जाए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर आप वो स्थान छोड़ देते हैं तो आपका गुस्सा भी निकल जाता है, वरना वहीं बैठे रहेंगे वो बार बार आपको बोलते रहेंगे और उससे आपका गुस्सा बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो नहीं बोलना है वो बोल करके आप अपनी रेपुटेशन अपनी इमेज ख़राब कर सकते हैं, ऐसा नहीं करें। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा और घर की कोई महिला आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है, चाहे वो आपकी बहन हो चाहे कोई बुआ हो मौसी हो, जो कुछ भी आपके सगे संबंधी है उसी में से कोई ना कोई आपकी रिलेटिव जो होंगी वो आपकी सपोर्ट करेगी। जीवन साथी के साथ में किसी भी तरह के अनबन या मनमुटाव हो तो किसी और से साझा नहीं करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों के साथ शेयर नहीं कीजिए। बहुत से लोग सिंपैथी के लिए अपनी लाइफ को दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं जो सही नहीं है, अल्टीमेटली वो आपके इस चीज़ का फ़ायदा ही उठाएंगे, इसलिए आप अपने मन में चल रही बातों को अपने पार्टनर्स के साथ में शेयर करें, अपने जीवन साथी के साथ शेयर करें, उनके साथ में डिस्कस करें तो उन प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा। जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, इसलिए किसी का शुभ समाचार अर्थात कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको शुभ समाचार मिलने के भी इस समय काल में पूरे पूरे योग हैं, पूरी पूरी संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, इसके बावजूद भी आपको काम के बीच बीच में अपने शरीर के लिए अपनी हेल्थ के लिए समय निकालना चाहिए।
जो नेगेटिव टाइम पीरियड है उसके लिए कोई ना कोई उपाय होता है, और शुक्र के लिए उपाय है दुर्गा की पूजा उपासना, और रोजाना यदि हो सकता है तो आप दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच है स्टार्टिंग में उसका पाठ करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, और रोजाना यदि संभव हो और नहीं तो कम से कम शुक्रवार को उनका खीर का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख में, आपकी इन प्रॉब्लम्स में काफ़ी राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। शुक्र आपकी राशि से नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे। नाइन्थ हाउस होता है भाग्य का, नाइन्थ हाउस होता है धर्म का, नाइन्थ हाउस होता है शिक्षा के लाभ का, अर्थात फिफ्थ से फिफ्थ, पंचम से पंचम जब देखते हैं तो नाइन्थ हाउस आएगा। तो शुक्र के नाइन्थ हाउस में आने से उत्तम वस्त्र या आभूषण की प्राप्ति होती है, अर्थात घर में कोई न कोई बहुत बड़ा कोई आयोजन होने से, शादी ब्याह होने से आप अपने शॉपिंग करेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी खरीदेंगे, अर्थात आपका एक्सपेंसेस इन आइटम पर जरूर होने वाला है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आशा से अधिक लाभ मिलेगा, अर्थात जो आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा गेन आपको होने वाला है, और कोई न कोई परमानेंट गेन भी होने वाला है, चाहे कोई प्रॉपर्टी के रूप में हो, चाहे कोई गाड़ी खरीदने वाली बात हो, वो आप खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा, घर में मांगलिक या धार्मिक उत्सव होने वाले हैं या होंगे, स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है, अर्थात जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी, फ्रेंड्स से गेन रहेगा, फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स आपकी सक्सेस में भागीदार बनेंगे, आपके लिए सपोर्टर रहेंगे, अपने भाइयों से सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी, गेन मिलेगा, तो साथ ही साथ रेस्पेक्ट मिलेगा। लंबी यात्रा देश के अंदर या विदेश में होना संभव है। शुक्र के इस गोचर काल से आपको अपने जीवन में मिले जुले परिणाम भी मिलेंगे। वैवाहिक जीवन जहाँ अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ में आपकी नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी और वो आप महसूस करेंगे। अगर साझेदारी में आपका कारोबार है तो विदेशों से इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके प्रति ईमानदार रहेगा, जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या एब्रॉड से रिलेटेड बिजनेस है। कारोबार या किसी और काम के संबंध में आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यह यात्रा थकाऊ हो सकती है लेकिन इसके परिणाम बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं। आप जो सोच करके गए थे उससे कहीं ज़्यादा आपको इस यात्रा से लाभ मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, अर्थात आपके ज़िंदगी में यह यात्रा, यह ट्रैवलिंग मील का पत्थर बनने वाली है। रोमांटिक जीवन में आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, पहले से ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड होगा, और इस समय आप अपने संगी के साथ में, अपनी फ्रेंड के साथ में, अपने अटैचमेंट वाले पार्टनर के साथ में रोमांटिक पल बिता सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपकी शिरकत करना आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, समाज में नाम मिलेगा और सामाजिक स्थिति से आपका सर्कल बड़ा होगा, आपका सपोर्ट, आपकी जो पहुँच है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यदि आप सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन समय है। स्टूडेंट्स को अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस समय प्रयास करने की ज़रूरत है, समय निकाल करके थोड़ी देर ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो कुछ भी आप सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं उसको याद करते हैं, थोड़ी देर लेट जाइए, आँख बंद कर दीजिए और जो जो आपने पढ़ा है उसको पॉइंट वाइज याद रखने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे वो पूरा चैप्टर आपको सिलसिलेवार याद हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। शुक्र आपकी राशि से एट्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में आने वाला है। एट्थ हाउस में आने से धन की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ सुखों में वृद्धि होगी, अर्थात जो आपकी प्रसन्नता है उसके कोई न कोई कारण आपको बार 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 मिलेंगे। ऐसे ही समय में व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वो जो परेशानी होती है वो भी भूल जाता है, भोग विलास की सामग्री या सुख, ऐश्वर्य सुख की सामग्री उनमें वृद्धि होगी, अतः शॉपिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। जो भी खानदान वाले कुटुंबीजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे धन और सुख दोनों की प्राप्ति होगी, अतः जो आप कोई प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं या कोई बड़ा काम करने वाले, चाहे वो आपकी लड़की की शादी हो या कोई आपके घर का मुहूर्त हो या आपने कोई बिजनेस आपने खोलना है या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके जो भी सगे संबंधी है, जो भी कुटुंबीजन है, जो खानदान वाले हैं, वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे।
स्टूडेंट्स को विद्या में उन्नति होगी, सक्सेस मिलेगी और साथ ही आपको शारीरिक परेशानियां भी हो सकती है बहुत ज़्यादा काम करने से, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से। इसलिए अपना ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक खास बात है, वासनापूर्ण क्रियाओं में आपका ज़्यादा मन लगेगा जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है, अकेलापन आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जितना हो सके खुद को व्यस्त रखें लेकिन हेल्थ का बराबर ध्यान रखें और अपने ऊपर संयम रखें। इस समय काल में ससुराल वालों से, अपनी माताजी से कुछ न कुछ विवाद होने की संभावना है। जहाँ तक हो विवाद, यदि पैसों को लेकर के है, प्रॉपर्टी को लेकर के है, इस चीज़ को अभी टाल देना बेटर है। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका टाइम पीरियड अच्छा आने वाला है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप फाइटिंग करना चाहते हैं वो फाइट करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आपका काम ऐसे ही हो जाए। अगर आप वाहन चलाते हैं तो इस अवधि में कोई न कोई नियम कानून तोड़ने की नहीं सोचें, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको फाइन देना पड़ सकता है। और यूँ भी अभी इस समय काल में, वर्तमान समय में, गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाया है जिसमें फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगने वाला है। फाइन एक गुना नहीं, कई गुना लगने वाला है। इसलिए छोटी सी आपकी लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए कानून का पालन करें और सही ढंग से, सही नियम कायदे से चलें। आर्थिक पक्ष इस दौरान कमज़ोर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने के कारण, लेकिन यदि आप सट्टेबाजी करने की कोशिश करते हैं तो इस समय काल में बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अपनी जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए स्पिरिचुअल साइंस की ओर बढ़ें, अर्थात धर्म कर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, पूजा पाठ की ओर बढ़ें। उससे बहुत राहत मिलेगी आपको और बहुत ही ज़्यादा आनंद आपका बढ़ेगा। मेडिटेशन या कोई पूजा पाठ व्यक्ति को इंटरनली स्ट्रांग बना देता है। सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर बढ़ने से क्या गलत है और क्या सही है उस चीज़ का आपको ध्यान पड़ने लगता है, भान होने लगता है। और ऐसी स्थितियों से व्यक्ति बहुत जो खराब सिचुएशन है उससे आसानी से निकल भी पाता है। ऐसे ही समय काल में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं शुक्र की उच्च राशि अर्थात मीन राशि के बारे में। शुक्र आपकी राशि से सेवंथ हाउस में गोचरवश आएगा और सेवंथ हाउस होता है दाम्पत्य सुख का, सेवंथ हाउस होता है पार्टनरशिप का, सेवंथ हाउस होता है साझेदारी का, सेवंथ हाउस होता है आपके लाइफ में रोमांस का, आपकी लाइफ में दाम्पत्य सुख के साथ साथ में शारीरिक सुख का। राशि से सेवन शुक्र आपको अपमानित होने का भय सताएगा, बहुत ही परिश्रम से आजीविका चलेगी, अर्थात जो आपका शेड्यूल था, जो आपकी रनिंग इनकम थी, उसमें रोड़े आ सकते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही टाइम पीरियड चला तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। जननेंद्रिय संबंधित अर्थात एब्नॉर्मल पार्ट में कुछ रोग हो सकते हैं, उनसे आपको कष्ट हो सकता है। अपने जीवनसाथी से कोई विवाद हो सकता है, जीवनसाथी के रोगी होने की संभावनाएं भी है, अर्थात उनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अन्य स्त्रियों से प्रेम संबंध अर्थात जो आप विपरीत लिंगी है उनसे प्रेम संबंध के कारण हानि और अपमान सहना पड़ सकता है। यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ेगी। सप्तम भाव से जातक के जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में भी पता चलता है। यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में निरस्ता भी बढ़ सकता है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है। इस दौरान आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर जो झगड़ा होगा, ऐसे में वो झगड़े से आपके पेरेंट और आपके संतान दोनों दुखी होंगे। इसलिए पेरेंट के सामने और अपने संतान के सामने लड़े झगड़ा करने से बचें। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। यदि संभव हो सके तो आपको आने वाले वीकेंड पर अकेले बाहर जाना चाहिए, जिससे समस्याओं पर आप चर्चा कर सकें, आपस में विचार विमर्श कर सकें और अपनी गलतियां पहचान करके उनको मान सकें, उनको ठीक करने की कोशिश कर सकें। इस दौरान कोई न कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपके मान सम्मान में कमी आए या लोग आप पर अंगुली उठाएं। इस राशि के जो भी लोग प्रेम प्रसंग में व्यस्त हैं अर्थात कस्मेवादी निभाने की बातें कर रहे हैं, उन्हें मैं सावधान करना चाहता हूं कि आपकी हंसी मजाक आप पर ही भारी पड़ सकती है। यह समय गंभीरता का है, सीरियसनेस का है। अक्टूबर में जो भी बात करेंगे उसका अर्थ निकलेगा। वर्तमान में तो अर्थ का अनर्थ की संभावनाएं ज़्यादा है। नौकरी पैसा से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको कार्य सत्र में सम्मान मिल सकता है।
पारिवारिक जीवन को यदि आप खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी निजी परेशानियों को दूर रखना होगा और परिवार के लोगों को अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा, उनके साथ में समय बिताना पड़ेगा। यह था राशिफल। अब मैं कुछ शुक्र के बारे में कुछ विशेष तथ्य, कुछ खास जानकारियां वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शुक्र कन्या राशि में जब स्थित होता है तो बलहीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है वो किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आकर के शुक्र बलहीन हो सकता है। शुक्र पर बुरे ग्रहों का जब भी प्रबल प्रभाव होगा तो जातक के वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न होगी। महिलाओं की कुंडली में शुक्र, ठीक है, यदि शुक्र पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो उनकी प्रजनन प्रणाली अर्थात कंसीवमेंट के चांसेस कमजोर होंगे, उनके पीरियड पर, उन ओवरी पर या उनके अंडाशय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण उन्हें संतान पैदा करने में परेशानियां आ सकती है। कुंडली में शुक्र पर अशुभ राहु का प्रभाव जब होता है तो जातक के भीतर शारीरिक वासनाओं को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देता है, जिसके चलते जातक अपनी बहुत सी शारीरिक ऊर्जा तथा पैसा इन वासनाओं को पूरा करने में खर्च कर देता है, गंवा देता है, जिसके कारण उसकी सेहत तथा साथ ही साथ प्रजनन क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और कुछ एक मामलों में तो जातक किसी गुप्त रोग से पीड़ित भी हो सकता है, जो कुंडली के दूसरे ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हुए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो शुक्र की स्थिति को आपने अपनी कुंडली में देखना भी है और किसी विद्वान से मिल करके जाँचना परखना भी जरूरी है, यदि शुक्र राहु के साथ में है या पाप प्रभाव में है। तो बहुत सी राशियों को मैंने कुछ न कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिए हैं, तो वो ये सोचते होंगे कि हम उपाय क्या करें। आपने विश्लेषण तो बता दिया, प्रॉब्लम तो बता दी, तो प्रॉब्लम के बाद में आप निवारण भी बताइए। जहाँ कारण है वहाँ कोई को निवारण भी है, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। तो आइए बात करते हैं समाधान की, आइए बात करते हैं निवारण की। तो सबसे पहले शुक्र का मतलब लक्ष्मी भी है, तो फाइनेंशियल यदि प्रॉब्लम है तो आपने अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। अष्टलक्ष्मी कवच अर्थात आठ प्रकार की लक्ष्मी। हर व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की लक्ष्मी, चाहे वो धन लक्ष्मी हो, चाहे वो वैभव लक्ष्मी हो, आयु लक्ष्मी हो, संतान लक्ष्मी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, ये आठ प्रकार की लक्ष्मी, हर लक्ष्मी को प्राप्त करना ही अपना उद्देश्य होता है। वो सारी लक्ष्मी के जो भी भाव हैं, जो भी क्षमताएँ हैं, जो भी उनका आशीर्वाद है, वो सब आपको मिले, इसलिए आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। अब ये कवच कहाँ से मिलेगा? इस कवच के लिए आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, अपना गोत्र, कास्ट, एड्रेस, ये सब कुछ लिखवाना पड़ेगा। और जो बहने शादीशुदा है, जो मैरिड है, वो अपना नाम, अपने पति का नाम, ससुराल का गोत्र और साथ ही साथ जो हमें आप डिटेल चाहिए वो डिटेल देने पर ये कवच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनेगा और आपके ही काम आएगा और ये घर बैठे आप कवच मंगा सकते हैं। इसके बाद में और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा उपाय, लक्ष्मी चौंतीसा यंत्र आता है एक, उसकी अंगूठी पहन सकते हैं या पेंडल पहन सकते हैं। और स्पेशली लक्ष्मी के लिए, फाइनेंशियली गेन के लिए, अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए, अकस्मात धन प्राप्ति के लिए इस चौंतीसा अंगूठी को, चौंतीसा यंत्र की अंगूठी को पहना जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र का नेगेटिव फल मिलेगा, जिन व्यक्तियों की राशि को शुक्र नेगेटिव फल देने वाला है, उन व्यक्तियों को स्फटिक माला धारण करके रखनी चाहिए और घर में स्फटिक से बना श्री यंत्रेश्वर स्थापित करना चाहिए, उस पर लक्ष्मी का मंत्र जाप करना चाहिए। यंत्रेश्वर क्या होता है? ठीक जैसे स्फटिक का शिवलिंग होता है, उसी प्रकार नीचे शिवलिंग है, ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है, दोनों एक ही पिंड में है, उसको यंत्रेश्वर कहा जाता है। वो यंत्रेश्वर स्फटिक से बना हुआ अपने घर में स्थापित कीजिए पूजा में और उस पर लक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिए। ठीक चांदी का कड़ा या चांदी की प्लेन अंगूठी जिसमें कोई जॉइंट नहीं हो वो आपने पहनना चाहिए। श्री सूक्त का रोजाना पाठ करें और यदि आप कर सकते हैं तो एक रुद्रमय तंत्र है उसमें संपुटित श्री सूक्त का पाठ दिया हुआ है वो आप करें। और यदि उसमें आपने आपको अक्षम समझते हैं तो हमारे यहाँ से सीडी मंगवा सकते हैं या सीडी को डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके साथ में बोलना सीख सकते हैं, वो पूरा पाठ अर्थात संपुटित श्री सूक्त का पाठ आपको मिल पाएगा। शुक्र का जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, जितना भी आपके पास में समय हो, जो आपकी यथाशक्ति हो उतना मंत्र जाप कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके सफ़ेद रंग के वस्त्र अधिक पहने और कम से कम शुक्रवार को अथवा फ्राइडे को तो सफ़ेद रंग या उजले रंग जो ब्राइट कलर्स हैं उनको ज़्यादा आपने पहनना चाहिए। अपने बेडरूम में या जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम
ठीक है बिताते हैं, चाहे वो लॉबी हो सकती है, चाहे ड्राइंग रूम हो सकता है, सफ़ेद रंग के भागते हुए घोड़े की तस्वीर आपको लगानी चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बरकरार रहेगा, उत्साह बरकरार रहेगा और आपका जुनून बरकरार रहेगा। शुक्र के दान में आप चावल का दान दे सकते हैं, घी का दान दे सकते हैं और श्रृंगार प्रसाधन वस्तुओं का दान दे सकते हैं। एक और मंत्र है जो शुक्र के लिए ही विशेष बोला जाता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। ये मंत्र है स्पेशली शुक्र के दोष निवारण के लिए। मंत्र एक बार फिर दोहराता हूँ, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। शुक्र का पौराणिक मंत्र आप सबको आता होगा और नहीं तो बहुत छोटा सा ही है, ओम शुम शुक्राय नमः। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ फल दे रहे हों तो शुक्रवार के दिन आपने मॉर्निंग में चांदी चावल दूध दही घी खीर सफ़ेद वस्त्र चीनी मिश्री किसी न किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण श्रद्धा से दक्षिणा सहित दान करना चाहिए, इससे शुक्र ग्रह के अशुभ फल दूर होते हैं। और क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आपने जो स्नान का पानी है नहाने का पानी है बाल्टी में एक इलायची होती है, वो इलायची डाल करके आप रोजाना नहाइए, जब नहा लेते हैं उस इलायची को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। आज जो हमने विश्लेषण दिया है वो शुक्र के नीच राशि में आने से दिया है कि शुक्र नीच राशि में आकर के प्रत्येक राशि को क्या फल देगा, अच्छा या बुरा। जिन व्यक्तियों को अच्छा फल मिलने वाला है वो उपाय करके और ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं, और जिनको नेगेटिव फल मिलने वाला है वो उपाय करके उससे राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, ये कुंडली है और इसमें लिखे नंबर साधारण नहीं बल्कि ग्रहों का एक माया जाल है। इस माया जाल में आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल छिपा है और साथ में छिपा है आपके जीवन के सुख दुख का रहस्य। आपके जीवन में आई सभी समस्याओं के जिम्मेदार ये 9 ग्रह ही हैं। आपके दुखों और कष्टों का कारण और निवारण आपकी कुंडली में ही छिपा है। जरूरत है सिर्फ ऐसे विद्वान की जो इन 9 ग्रहों की भाषा को समझता हो। ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्व तंत्र ज्योतिष के संपादक पंडित कमल श्रीमाली जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और पंडित कमल श्रीमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता। भारत के इन शहरों में आप पंडित जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप भारत के किसी अन्य शहर में रहते हैं तो पंडित जी से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें।